आज मैं बना रही हूँ सिड्डू, पीनट सिड्डू बना रही हूँ मैं। जैसे पहाड़ी में सिड्डू बनाते हैं, जैसे ये सिड्डू। इसको मैं थोड़ा सा रुमाल में ऐसे ऐसे करती हूँ, इसको थोड़ा छिलकर निकल जाते हैं। पीनट भुनने के बाद थोड़ा सा रुमाल में करके इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ के साथ मलना तो निकल जाता है थोड़ा बहुत। तो साफ कर लिया, इसका छिलका पूरा जैसे उतार दिया, थोड़ा बहुत तो है वैसे, कोई बात नहीं। इसको ग्राइंड करूँगी फिर का पत्ते, क्योंकि लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं, जब पत्ते डाल दिए तो इसको बिल्कुल इसके साथ ही। ये हरी मिर्ची, 2 से 3 हरी मिर्ची, जितना कर खुद कोई स्पाइसी खाने को इच्छा हो। एक टुकड़ा अदरक, एक प्याज, नमक स्वाद अनुसार, ये अजीनोमोटा, ये थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे साथ में। सारा सब मिक्स करके एक कप पानी डाल दिया हमने, बिल्कुल हमने ग्राइंड कर दिए सारा कुछ मिला के। और आप लोग सोचते हैं कि मैं वीडियो बनानी बड़ी हो, मतलब बेले बैठ के वीडियो, देखो मैं साथ साथ में ऑर्डर के साथ साथ और वीडियो बना रही हूँ। मैं देखो ऑर्डर भी लगा रही हूँ, तो देखो ऑर्डर भी लगा रही हूँ साथ में, छोटा मोटा ऑर्डर भी आए हैं। तो और मैं मतलब पर्सनल अपना अलग से एक वीडियो और से मतलब पर्सनल वीडियो भी बना रही हूँ गाली सुन सुन के। ये मैंने ये आटा मैंने सुबह का लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ इधर बहुत ठंड है ना, तो आटा सुबह का लगाए हुआ अभी तक ऐसे हो गए हैं बस, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल नरम हो गए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे नरम, जैसे ब्रेड में, जैसे ब्रेड की तरह बिल्कुल नरम हो गए। अब लेंगे हम आटा इतने इतने, ज़्यादा बनाना हमने इसके साथ। बिल्कुल बेलन के साथ कई बेल के भी बनाते हैं, तो पर मैं ऐसे ही बनाऊंगी। आटा हमारे वैसे भी गीला ठीक है, बेलने की ज़रूरत नहीं। अब इसका हम इसकी लेप लगाएंगे ऐसे करके, ये देखिए इसको ज़्यादा नहीं लगाना, इसे थोड़ा लेप ही लगाना होता है। अपने अपने तरीका होता है, जैसे इस तरीके से मसाला बिल्कुल बंद करना होता है। अभी देखने का ऐसा लग रहा है, तो जब पकेंगे तो ये बिल्कुल फूल जाएंगे, बड़े बड़े हो जाते हैं ना। ज्यादा लगाएंगे तो गीले हो जाते हैं। चार पीस, जब ये बनाएंगे तो ये फिर बड़े बड़े पीस हो जाते हैं, तो हम चार ही पीस डालेंगे। वैसे रखा है सेम जैसे मोमो सिस्टम, जैसे मोमो बनाते वैसे भी। इसमें बॉयल पानी रखा है हमने, इसमें स्टीम में साथ पकाएंगे, साथ में मटन भी पका रहे हैं। ये बन गई हमारी सिड्डू, गरम गरम सिड्डू। पहले छोटे छोटे बना था, कितना बड़े बड़े हो गए ये। कैसे कर गया, अमूल बटर लगा देंगे हम, घी लगाते हैं, घी नहीं है चला, अमूल बटर ठीक है। ऐसे करके बिल्कुल, ये देखो के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं ऐसे, जैसे ज़्यादा अच्छा चटनी के साथ। देखो देखने के भी अच्छी लग रहे हैं ना अपने, बिल्कुल हमारे ये देसी लोकल आटा है, हमारे देसी आटा का बनाया मैंने ना। मैं तो मेरे को ज़्यादा इस चटनी के साथ ही अच्छी लगती है। एक गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडा हो जाता है इसमें भी लगती है।